हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग तो नया है लेकिन पता नहीं है कि बोलना क्या है, क्योंकि सरप्राइज है अजहर की तरफ से। मुझे पता नहीं था कि हमें आज इधर आना है यूसमर्ग। मैं तो निकला था ऐसे ही, इसने बोला ट्राइपॉड साथ उठाना, मुझे 15 मिनट के लिए चाहिए, तो मैंने भी अपने साथ उठा लिया। तो अब गाड़ी में बैठा, तो हम अब चल रहे हैं रास्ते में। मैं इसको बोल रहा हूँ आधे रास्ते तक जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहा है कि जाना कहाँ है। एक बार आया हूँ यहाँ यूसमर्ग, तो मुझे पता नहीं था कि ये रास्ता यूसमर्ग को जाता है। तो चल रहे हैं रास्ते में, अब ये नहीं पता है मुझे कि बोलना क्या है, क्योंकि पहले ही प्रिपेयर थोड़ा करके आते हैं अगर पता होता कि जा कहाँ रहे हैं। अब आगे जब हम यूसमर्ग पहुँचेंगे कि क्या बोलूँगा मैं, तब तक के लिए अब गुड बाय। तो मिलेंगे अब यूसमर्ग में। तो आ गया है हमारा लंच। लंच में आज है ऑमलेट और ब्रेड टोस्ट विद सम चटनी, और है चाय एज यूजुअल, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो करते हैं हम इसको एंजॉय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम इस वक्त चाय पी रहे हैं और ऑमलेट खा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं खाया था। चाय हो गई। तो किया हमने लंच फिनिश। व्यू देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। एक साइड से स्नो और एक साइड से कुछ नहीं। इसको सिर्फ पिक्चरें उठानी है। एक साथ ही हमारे साथ चल रहा है जो कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा, जो कि ये है, ये हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा जब से हम यहाँ आए हैं। तो हम इस वक्त है यूसमर्ग में। यहाँ उतनी बर्फ होती तो नहीं है, लेकिन आज शाम एक जगह से बर्फ है, एक जगह से खाली। एक क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर, देखते हैं अगर हमें खेलने देंगे। वहाँ से बच्चे झूले पे खेल रहे। व्यू चेक करो यहाँ का। ओहो, ये फिर से निकला आगे। मैं तो पहली बार आया हूँ, ये तो बहुत बार आया है यहाँ पर। हाँ, ये है अजहर साहब, जो कि इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे, इस साइड से, इस एंगल से दिखाई दे रहे अच्छे। तो बोलिए, आपने ये सरप्राइज़ क्यों दिया मुझे? बोला क्यों नहीं मुझे कि कहाँ जाना है? मैं तो हर टाइम आपको सरप्राइज ही देता हूँ। मैं तो अगर मैं आपको पहले ही बोलूँगा कि हमें कहीं जाना है, आप तो आओगे ही नहीं, क्योंकि हम परसों भी गए थे गुलमर्ग, तो इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं था कि हम। मैं सोचा जावर साहब ने आप ब्लॉग स्टार्ट किया है तो ना दूसरी जगह देख, इसलिए मुझे कुछ भी यार पहली बार ड्राइविंग की है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा कि बताऊं क्या मैं यहाँ पर। शूज़ भी देखे कैसे लगाए मैंने। सो गाइस, हम वापस जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ 3:44, अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। इन बेचारों की गाड़ी ख़राब होगी तो हम अब पूछेंगे इनसे, तोहमत ना करेंगे अगर माने ये, क्योंकि यहाँ से तो कोई गैराज भी नहीं है जो इनको ठीक कर दे, करके दे। अब इनके पास रस्सी होनी चाहिए। तो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं। इनके पास तो रस्सी भी नहीं थी और इनको सामने ही कहीं जाना था, तो अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम चिनार शरीफ जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा वहाँ का भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिनने नहीं देखा। कश्मीर में तो सबों ने देखा होगा, मैं भी गया हूँ कश्मीर, यहाँ मैं भी गया हूँ चिनार शरीफ बहुत बार, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? सो गाइस अब हम मिलेंगे नीचे चाय शरीफ में, चाय शरीफ जाएंगे, वहां थोड़ा सा दिखाएंगे आपको सब। वैसे तो कश्मीर में सब ने देखा होगा चाय शरीफ, मैं भी गया हूँ वहाँ बहुत बार। तो अब देखेंगे जिनने जो बाहर रहते हैं, जिनने नहीं देखा है वो भी आए वहाँ पर, और यूसमर्ग भी आए। तो अब हम जाएंगे चाय शरीफ, तो मिलते हैं वहाँ पर, बाय। सो गाइस अब वजू भी किया और नमाज भी हमने पढ़ ली, अब हम जाएंगे अस्थान की ओर, तो वहाँ का भी आपको थोड़ा दिखाएंगे, तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का स्थान, जिनको शेखुल आलम भी कहते हैं। यह स्थान 1460 में बनाया गया था और इसको जैनुल आबदीन ने बनवाया था, जो कि तब यहाँ के बादशाह थे, और इस हिसाब से ये लगभग 600 साल पुराना स्थान है। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, तो उनको कुछ खरीदने का घर के लिए ये खरीद रहे हैं। ये ये है हलवा, ये है पराठे, और उसको कहते हैं ना दिया मंच। तो गाइस हम अब यहीं पर व्लॉग एड करता हूं मैं, अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो यहां आके तो सुकून ही मिलता है इन जगह आके। तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये छोटा सा व्लॉग था आपके लिए, अचानक ही बन गया, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।